यहाँ पर हम लिंग परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। लिंग यानी कि मनुष्य जाति हो, प्राणी हो या कोई भी पशु हो, सबकी जाति बताई जाती है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एकवचन और बहुवचन। तो उसी प्रकार लिंग यानी कि मनुष्य में कहे तो नर और नारी जाति, तो उसी प्रकार हम कहे लिंग परिवर्तन के दो प्रकार हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग जाति यानी कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कह सकते हैं। पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते। स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के कुछ नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पुल्लिंग शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द में बनने वाले शब्द जो है, सबसे पहला यहाँ पर नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द को अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग बनता है। अकारांत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकारांत शब्द मैंने पहले लिखा है बाल, बाल ल के पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई पड़ता है, अस्वर, तो अकारांत का अस्वर हुआ। अब हमें उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए बाल वह पुल्लिंग शब्द हुआ, अकारांत अस्वर पीछे सुनाई देता है, बाल अ के पीछे अस्वर सुनाई देता है, तो उसका हमें बनाना है बाला, आ स्वर लगा के बनाना है बाला, तो सबसे पहले पीछे आ स्वर हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार आत्म ज, ज, ज के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है और उसका शब्द हुआ, स्त्रीलिंग शब्द हुआ आत्मजा, तो जा, जा के पीछे हमें आ सुनाई देता है। उसी प्रकार पतित, त, त के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है पतिता। शिष्य, शिष्या। शिव, शिवा। विवाहित, त, त के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है और विवाहिता, तो ता के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है। छात्र, छात्रा। आचार्य, आचार्या। तो यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के सबसे पहला नियम था कि अकारांत को आकारांत में बदलने से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि बाल, तो बाल ल अकारांत शब्द हुआ और हमें आकारांत में बदलना है तो बाला, बाला शब्द हुआ। यहाँ पर लिंग परिवर्तन का दूसरा जो नियम है उसमें हमने लिखा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। यहाँ पर ह्रस्व इ का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि पुत्र, पुत्र वह अकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। पुत्र, त्र के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है और उसका हमें इकारांत में बदलना है, तो इकारांत में पुत्री, त्री, त्री के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, तो इसीलिए यह इकारांत में बदलने से वह पुत्री, यह स्त्रीलिंग शब्द बना। उसी प्रकार देव, देव, तो देव व के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ देवी। नर्तक, नर्तकी। मेढक, मेढकी।
मेढक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ मेढकी। तो की वह पर यहाँ पर इकारांत शब्द में बदलने से स्त्रीलिंग शब्द मेढकी हुआ। हिरण, हिरणी, कुमार, कुमारी, राक्षस, स के पीछे अस्वर, अकारांत का अस्वर हुआ और उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ राक्षसी, तो हस्व ई वाला ई हुआ, यानी कि इकारांत शब्द लगा। तरुण, तरुण यानी कि तरुणी। तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरा जो नियम था उसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि पुत्र, तो पुत्र त्र, त्र के पीछे अस्वर, अकारांत का अ लगा है और उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें नियम के अनुसार इकारांत में बदलने से पुत्री हमें स्त्रीलिंग शब्द मिला। आगे का जो नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत करने पर वह स्त्रीलिंग बनता है। पहले नियम में अकारांत पुल्लिंग शब्द को हमें इकारांत में बदलना था, आगे का जो नियम है हमें आकारांत पुल्लिंग शब्द को हमें इकारांत करने पर स्त्रीलिंग बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा है कि बेटा, बेटा, ता के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई देता है, आ स्वर, तो आकारांत का आ स्वर यहाँ पर हमें मिला। अब हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन से स्वर का इस्तेमाल करना है, इकारांत का ई, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि बेटा, तो बेटा के पीछे आ स्वर सुनाई दिया और उसका स्त्रीलिंग शब्द बना बेटी, तो इकारांत का ई हमें यहाँ पर बेटी, टी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, मतलब कि यह बेटी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। नाना, देखिए नाना, तो ना पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है, नानी, नी पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, दादा, दादी, भांजा, भांजी, लड़का, का तो पीछे आ स्वर सुनाई देता है, लड़की पीछे ई स्वर सुनाई देता है, मामा, मामी, चाचा, चाची, चेला, चेली, तोता, तोती। तो यहाँ पर आपको लिंग परिवर्तन में यह याद रखना है कि नियम के अनुसार अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को इकारांत में बदलना है तो पीछे अस्वर वाले को ई स्वर में बदलना है और आकारांत को इकारांत में बदलना है, तो जो उदाहरण आ स्वर का होता है उसको हम ई स्वर में बदलने जाएंगे। आगे का जो नियम है वह प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर हमें स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे। प्राणीवाचक, तो प्राणीवाचक शब्दों को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोर, तो मोर यह पुल्लिंग शब्द हुआ लेकिन उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा मोरनी। तो हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करना है, नी प्रत्यय का उपयोग करना है, तो मोर, तो नी प्रत्यय हमने पीछे लगा दिया तो हो गया मोरनी। उसी प्रकार सिंह, यह पुल्लिंग शब्द हुआ, सिंहनी यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ, जादूगर पुल्लिंग शब्द हुआ, जादूगरनी स्त्रीलिंग शब्द हुआ, शेर पुल्लिंग शब्द हुआ, शेरनी, नी प्रत्यय लगाने से शेरनी हो गई यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गए, सरदार सरदारनी, ऊंट और ऊंटनी, ऊंट यह पुल्लिंग शब्द हुआ, उसके पीछे ऊंटनी नी प्रत्यय लगाने से यह
ऊंटनी यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हुआ। तो आपने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्द में अकारांत पुल्लिंग शब्द को इकारांत में बदलने से पुत्र त्र पीछे अकारांत का अ लगा है तो पुत्री हुआ यानी कि स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत पुल्लिंग शब्द को हम इकारांत में बदला तो वह पर बेटा तो यह स्त्रीलिंग शब्द हुआ बेटी। और प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से मोर यह पुल्लिंग शब्द था तो उसका नी प्रत्यय लगाया तो उसका हुआ मोरनी। आगे का यहाँ पर हम नियम देख सकते हैं कि कुछ अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द में मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है नौकर। तो र र बोलते हैं हम तो पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई देता है? अस्वर। अब हमें अस्वर को कौन से प्रत्यय में बदलना है? आनी प्रत्यय में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि नौकरानी तो रा रा हमने यहाँ पर लिखा है तो पीछे हमें आ स्वर सुनाई पड़ता है और नी तो यहाँ पर दिया गया है तो हुआ उसका स्त्रीलिंग शब्द बना नौकरानी। तो यहाँ पर आनी प्रत्यय लगा हुआ है। जेठ ठ यानी कि अकारांत का अशब्द यानी कि अस्वर यहाँ पर लगा हुआ है तो जेठानी तो ठा के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है और नी दिया गया है तो यानी कि यहाँ पर जेठानी तो आनी प्रत्यय लगाया गया है। सेठ सेठानी। देवर देवरानी रा के पीछे भी हमें आ स्वर सुनाई देता है तो आनी प्रत्यय यहाँ पर हुआ। चौधरी चौधरानी रानी रा के पीछे भी हमें दिखाई देता है यानी सुनाई पड़ता है नी दिया गया तो आनी प्रत्यय हुआ। इंद्र इंद्राणी। अब हम देखें कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को अंत के यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत के ता को हमें त्री में बदलना है। ता वाला होगा पुल्लिंग शब्द और हमें स्त्रीलिंग करने पर त्री में बदलना है। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा है कि अभिनेता। आपको यह पर ता दिखाई दे रहा है अभिनेता तो यह पुल्लिंग शब्द हुआ अभिनेता। लेकिन स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें कौन से शब्द में बदलना पड़ेगा? त्री में। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ अभिनेत्री। तो हुआ नियम के अनुसार आकारांत शब्द को हमने अंत के ता को त्री में बदल दिया तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हो गया अभिनेत्री। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कर्ता ता प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने त्री प्रत्यय का इस्तेमाल किया तो उसका हुआ कर्ती। आगे का जो नियम है यहाँ पर कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाने से वह स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके पीछे इका प्रत्यय लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उदाहरण लिखा है बालक बालक क के पीछे कौन सा स्वर हमें सुनाई देता है? अस्वर क क बोलते हैं जब हम तो हमें पीछे अस्वर सुनाई देता है तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का अस्वर हमें यहाँ पर क क के पीछे अस्वर सुनाई देता है। अब हमको स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका प्रत्यय का इस्तेमाल करना है तो हमने यहाँ पर लिखा शिक्षिका। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षिका तो क्षी यहाँ पर क्षी तो क्षी के पीछे हमें ईश्वर सुनाई देता है का तो दिया गया है तो शिक्षिका क्षी
के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है, तो इसीलिए ई का प्रत्यय यहाँ पर लगा है। तो शिक्षक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई पड़ता है, अकारांत का अपुल्लिंग शब्द होने की वजह से अस्वर सुनाई पड़ता है, तो उसका इका प्रत्यय लगाने से शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द बना। आगे का जो शब्द है बालक, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ बालिका। ली, ली के पीछे आपको ई स्वर सुनाई देगा, का तो प्रत्यय दिया गया है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ बालिका। सेवक, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ सेविका। गायक, क के पीछे हमें अस्वर सुनाई देता है, उसका स्त्रीलिंग शब्द इका प्रत्यय लगाने से हुआ गायिका। अध्यापक, अध्यापिका। तो इसी प्रकार अस्वर को हम अपुल्लिंग अकारांत शब्द वाले पुल्लिंग शब्दों को हमने इकाराय प्रत्यय में से बदलने पर हमें अस्वर को इका प्रत्यय बदलने से हमें शिक्षक और शिक्षिका इका प्रत्यय हमें यहाँ पर मिला। अब है कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी और इणी प्रत्यय लगने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते जिसको हम इकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन उन शब्दों को हमने हमें पीछे इनी या इणी प्रत्यय लगाने हैं, तभी वह स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पापी, पापी शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पापी, तो पीछे ई, पी जब हम बोलते हैं तो ई स्वर हमें सुनाई पड़ता है, तो ई स्वर को हम इनी या इणी में बदलना है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ पापीनी। तो पापीनी, तो पीनी, पापीनी, तो पी के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई पड़ता है, ई, और नी तो दिया गया है, तो यहाँ पर पी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है, तो उसका स्त्रीलिंग हुआ पापीनी। सपाठी, ठी, ठी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सपाठीनी। तो सपाठीनी, ठी, ठी के पीछे भी हमें ई स्वर सुनाई पड़ता है और यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बना सपाठीनी। विद्यार्थी, विद्यार्थीनी। ब्रह्मचारी, यहाँ पर देखिए सारे जो उदाहरण है इनी प्रत्यय के है, पापी तो पापीनी, इनी प्रत्यय लगा है, सपाठी तो सपाठीनी, उसमें भी इनी प्रत्यय लगा है, विद्यार्थी तो विद्यार्थीनी, उसमें भी इनी प्रत्यय लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कहा था कि इनी या इणी प्रत्यय, दो प्रत्यय यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के पीछे री, री बोला, री यहाँ पर हम री के पीछे ईश्वर सुनाई देता है, लेकिन उसका स्त्रीनी जो स्त्रीलिंग शब्द बना है उसके पीछे हमें ईणी प्रत्यय सुनाई देता है, ईणी। यहाँ पर इनी और इणी प्रत्यय का उपयोग करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। लिंग परिवर्तन का जो आगे का जो नियम है, यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिखे कि मान या वान प्रत्ययों को मति या वती कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। मान या वान प्रत्यय जो है उसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उसको जो पीछे का जो शब्द होता है उसको हम मति या वती करना है और यह स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है श्रीमान, तो श्रीमान, श्री के पीछे हमें मान शब्द सुनाई देता है, तो अब हम मान शब्द हो तो हमें मान शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें किस में परिवर्तन करना होगा, मति में, तो मान हो अगर शब्द तो मति करना है और वान शब्द हो तो वती करना है, तो यहाँ पर मान शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा श्रीमती।
भाग्यवान। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया है भाग्यवान, तो वान प्रत्यय दिया गया है, तो वान प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें वती शब्द का इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ भाग्यवती। रूपवान, वान, रूपवान, यहाँ पर वान प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हमें वती में करना है, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा रूपवती। बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमती, भगवान यानी कि भगवती, और गुणवान, वान प्रत्यय है तो उसका होगा गुणवती। तो यहाँ पर आगे का जो नियम है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वह स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिसमें आइन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हमने आगे के उदाहरण में देखा कि पीछे हम मान या वान लगाते थे, तो उसका मान या वान जो होता था वह मती और वती में परिवर्तन होता था, और यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसके पीछे हमें आइन प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित, पंडित शब्द जो पुल्लिंग शब्द दिया गया है उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडित, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ पंडिताइन। आप देख सकते हैं कि पंडिताइन, तो ताइन, ता के पीछे हमें कौन सा स्वर सुनाई देता है, आ स्वर सुनाई देता है, और इन तो दिया गया है, तो पंडिताइन उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ता के पीछे आ स्वर हमें सुनाई देता है और इन दिया गया है, तो आइन प्रत्यय हमने यहाँ पर लगाया। गुरु, गुरु आइन, ठाकुर, ठकुर आइन, रा के पीछे आ स्वर सुनाई देता है, तो इसीलिए यहाँ पर आइन प्रत्यय लगाया गया है। चौधरी, चौधराइन, पंडा, पंडाइन। आगे यहाँ पर जो नियम है, यह व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्द जो है, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में तथा प्राणियों के नामों में इन प्रत्यय हमें लगाना है, और यहाँ पर इन प्रत्यय लगा के हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं। व्यवसाय सूचक और प्राणियों के नामों में हमें इन प्रत्यय लगाना है, तो यहाँ पर नाई यानी कि व्यवसाय सूचक शब्द हुआ, अब हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, इन प्रत्यय लगा के हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो नाई, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ नाइन, यहाँ पर इन प्रत्यय लगाया गया है। धोबी, वह भी व्यवसाय सूचक शब्द हुआ, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ धोबिन। तेली, उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ तेलिन। ग्वाला, ग्वालिन। लुहार, लुहारिन। बाघ, बाघिन। यहाँ पर घी, घी के पीछे हमें ई स्वर सुनाई देता है, ई, तो न तो दिया गया है, तो इन प्रत्यय यहाँ पर लगा। माली, मालिन, मालिक, मालकिन। भिखारी, भिखारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। नाग, नागिन। साप, सापिन। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि लड़का, तो का प्रत्यय को हम ई स्वर में यानी कि इकारंत में बदलना था, आपने नियम में देखा कि आ स्वर होता है उसको हम इकारंत में बदलते हैं, तो लड़का का के पीछे हमें आ स्वर सुनाई देता है यहाँ पर, तो उसको हम ई स्वर में बदलेंगे, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ लड़की। वैसे ही बच्चा, बच्ची। घोड़ा, घोड़ी। बकरा, बकरी। टोकरा, टोकरी। मामा, मामी। बेटा, बेटी। पहाड़, पहाड़ी। कुमार, कुमारी। पुत्र और पुत्री। मेढक, मेढकी। तो उसी प्रकार आपको लिंग परिवर्तन के नियम के अनुसार कुछ व्यवसाय सूचक और लिंग परिवर्तन आपको करना होगा।